हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स शो का पहला सीरीज देखा था, पहला वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे थे जो कि आपके बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स एंड रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट थे। तो आज हम लोग फिर से 10 मिनट में पूरे दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव टू द फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज बोली जा रही है, पूछा गया है आपसे, नेम द फेमस स्काई रिजॉर्ट वेयर द 5-डे नेशनल विंटर गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बिगिन फ्रॉम मार्च 7 अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे डेस्टिनेशन पूछा गया है, वेन्यू पूछा गया है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, नेशनल लेवल का इवेंट होता है, तो वो इवेंट की डेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट होती है, देन वो जो हमारा इवेंट है वो कौन कंडक्ट कर रहा है, सो दी कंडक्टिंग अथॉरिटी या फिर बॉडी, ठीक है, कौन कंडक्ट कर रहा है वो बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। एंड उससे भी ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है दी वेन्यू, ठीक है, वेन्यू या फिर डेस्टिनेशन, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो हमारे खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो नेशनल विंटर गेम स्टार्ट हो रहे हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 मार्च, डेट दे दी गई, कौन सा प्रोग्राम है वो भी दे दिया गया, कौन सा आप कह सकते हो बॉडी कंडक्ट करा रही है, तो बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत हो रहा है वो। अब आपसे पूछा गया है, एक चीज़ बचती है और वही चीज़ पूछ ली गई है आपसे, क्या, वेन्यू। तो सही आंसर है इसका गुलमर्ग। अभी गुलमर्ग एक ऐसा नाम है जो कि बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, इसलिए क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फेमस, यू नो, इट इज़ द एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड फेमस डेस्टिनेशन इन कंट्री, बिकॉज यहाँ पे इट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाउन इज सिचुएटेड इन पीर पंजल रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, तो जम्मू एंड कश्मीर रेंज में पड़ता है, ये वेस्टर्न हिमालयाज में है। अब अगर बात करें हम लोग इस इवेंट के बारे में, तो कौन सा इवेंट है, नेशनल विंटर गेम्स, कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 डेज का इवेंट है, तो 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 मार्च को ख़त्म हो रहा है। अब इस इवेंट में क्या होगा, तो बेसिकली ये स्काई डेस्टिनेशन क्यों चूज करी गई है, बिकॉज इस इवेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, आप देखो, स्नोबोर्डिंग, स्काइंग, क्रॉस कंट्री एंड अ स्नो शो, तो ये चारों इवेंट्स होंगे हमारे इस प्रोग्राम में या फिर इस इवेंट में। कहाँ होगा, गुलमर्ग में होगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप CEO ऑफ इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप। अभी मेक माई ट्रिप का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन उसका CEO कौन है जिसने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। तो यहाँ पे दो हमारे पास न्यूज निकल के आ रही हैं। सबसे पहली न्यूज जो ये चीज पूछी जाती है, हु, पहला तो यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि किसने, कौन था CEO जिसने अभी रिजाइन किया है, दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह कौन ले रहा है, दोनों का आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले पूछा गया है, नेम द CEO जिसने रिजाइन किया है, कौन सी कंपनी का CEO, मेक माई ट्रिप, तो क्या नाम है, दीप कालरा। दीप कालरा ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ द ग्रुप CEO उसकी कंपनी की मेक माई ट्रिप। अब रिजाइन किया है मतलब इस पोस्ट को कोई ना कोई तो भरेगा, कौन भरेगा इस पोस्ट को, तो लेट्स सी, राजेश मगाव, ठीक है, राजेश मगाव कौन है, ही इज द co-founder, ठीक है, मेक माई ट्रिप के co-founder हैं, एंड साथ ही साथ अभी तक ये इस कंपनी में CEO के तौर पर काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग एज, ही वॉज सर्विंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मेक माई ट्रिप इंडिया, मेक माई ट्रिप का इंडिया बिजनेस ये देख रहे थे। अब जब दीप कालरा ने रिजाइन कर दिया है तो ये CEO से बन जाएंगे हमारे ग्रुप CEO, ठीक है, एंड ये co-founder भी है मेक माई ट्रिप के। नेक्स्ट न्यूज, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ$1.867 बिलियन। तो कौन सी कंट्री ने
ये बेसिकली इसकी सेल को अप्रूव कर दिया है. किसकी सेल को? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम. इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ये एक्रोनिम है बेसिकली, एंड ये फुल फॉर्म है इसका. फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म्स. करंट अफेयर्स की अगर बात करी जाए तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम. तो अगर डिफेंस वेपन सिस्टम की सेल की बात हुई है और इंडिया ने खरीदा है तो बेसिकली दो ही नाम हमारे सामने या दो या तीन ही नाम होते हैं जब अगर किसी बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम की या फिर बहुत बड़ी मिसाइल की अगर खरीदने की बात होती है तो बेसिकली इंडिया के कुछ ही ऐसे नाम हैं जो आपके माइंड में आते हैं. वो सारे ही नाम आपको ऑप्शंस में दिखेंगे. सबसे पहले जो नाम आता है आपके वो आता है रशिया, ठीक है. दूसरा आता है इजराइल, एंड तीसरा जो कि सही आंसर है आता है यूएस. तो यूएस वो कंट्री है जिससे अभी इंडिया खरीद रहा है IADWS, दैट इज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम. कितने में खरीद रहा है? 1.867 यूएस डॉलर में. बैंक के बच्चों, जितने भी यहाँ पे बैंक के लर्नर्स हैं, वो ये फिगर जरूर याद कर लें. बाकी रेलवे एंड एसएससी वाले ये फिगर भले ही ना याद करें लेकिन ये जरूर याद कर लें कि कौन सी कंट्री से खरीद रहा है इंडिया. फिगर मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ याद करने को बैंक के लर्नर्स को, बिकॉज एग्जाम में फिगर जरूर आते हैं. बैंक के एग्जाम की खास बात होती है आपने ये याद कर लिया किसने खरीदा, ये याद कर लिया किससे खरीदा, ये भी याद कर लिया कि क्या खरीदा. लेकिन अगर आपने ये नहीं याद किया कि कितने में खरीदा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये जरूर याद कर लीजिएगा. अब क्या होगा ये खरीदने से? इतना पैसा इंडिया ने खर्च किया है तो ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा. क्या होगा आइए देख लेते हैं. दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज मिलिट्री गोल टू अपडेट इट्स केपेबिलिटी वाइल फर्दर एनहांसिंग ग्रेटर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया द यूएस एंड अदर एलीज. तो फिर सिंपल सी बात है, देखो इतना महंगा अगर उसने, अगर आप सिंपल सी बात सोचो, अगर आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदी है तो उसका क्या मतलब हुआ? आपके पास था ऑलरेडी वो चीज़, लेकिन आपने अपग्रेड करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए वो चीज़ खरीदी है. सिंपल सी बात है, इंडिया ने अपना डिफेंस मिलिट्री सिस्टम अपग्रेड करने के लिए इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम खरीदा है यूएस से. नेक्स्ट, Recently, which state government has approved the Groundwater Act 2020 to improve groundwater levels? तो ये question हमारे आने वाले NABARD exam के लिए, RBI के लिए and बाकी के जो भी exams हमारे आने वाले हैं bank के, उनके लिए तो बहुत important है ही. साथ ही साथ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश से related स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो इसका आंसर ही है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है अभी? ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 अप्रूव कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 अप्रूव कर दिया है. अब देखते हैं ग्राउंड वाटर एक्ट है क्या. सो द ग्राउंड वाटर एक्ट का बेसिकली जो मतलब है, देखो ग्राउंड वाटर एक्ट से समझ में आ रहा है कि वो ग्राउंड वाटर के लिए है. ग्राउंड वाटर जो प्योर रखने के लिए या फिर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए एक्ट है. साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी बोला गया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं बोरिंग पाइप से, ठीक है, बेसिकली सबमर्सिबल मोटर्स जो होते हैं आपके, उनसे क्या होता है कि वो ग्राउंड वाटर लेवल खींच लेते हैं बहुत. उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है आपका कम होता है, आपको तो प्योर पानी मिलता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिनके यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर नहीं है, जिनके यहाँ पे बोरिंग पाइप्स नहीं है, उनको प्योर पानी नहीं मिल पाता है, उनको मिलता है गंदा पानी. एंड साथ ही साथ पानी ही बहुत मुश्किल से मिलता है बिकॉज ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है. सो इस जो पूरा एक्ट है हमारा उसका सिर्फ इतना सा एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है. साथ ही साथ इस एक्ट के तहत जितने भी फार्मर्स हैं या फिर जितने भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूजर्स हैं, दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट. कोई उनको अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा टू यूज द पंप्स को यूज करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है इन्हें. नेक्स्ट, वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन
अजया वॉरियर 2020 बी हेल्ड फ्रॉम 13th February to 26th February. तो ये फिर से मैंने की बता, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या हो रहा है ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, कहाँ हो रहा है ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, देन साथ ही साथ आपका कब से कब तक हो रहा है ये भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है किसके किसके बीच में, इंडिया ब्रिटेन के बीच में. क्या नाम है उस एक्सरसाइज का, अजय वॉरियर 2020. कब से कब तक हो रही है, 13 फरवरी से 26 फरवरी. सारे आंसर्स मिल गए, एक क्वेश्चन बचता है कहाँ हो रही है. तो सही आंसर है आपका, द करेक्ट आंसर इज सैलिसबरी प्लेन्स. सैलिसबरी प्लेन्स में हो रही है. अब ये कहाँ है देख लेते हैं. तो पहली चीज है जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, इसका ये 5th edition है जो कि हो रहा है 2020 में. हर साल ये एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली होती है इंडिया के बीच, इंडिया में एंड यूके में. ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन यूके एंड इंडिया. तो इससे पहले हुई थी हमारी इंडिया में, अब हो रही है यूके में, एंड 13 से 26 फेब तक है. इससे पहले साथ ही साथ कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया और यूके के बीच में है वो भी आप नाम एक बार जान लीजिए. नेवी एक्सरसाइज है कोंकण, एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंद्रधनुष. ठीक है, चलो बाकी गाइस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिलेगा. टेलीग्राम चैनल पे कहाँ से जाना है, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाएगा. सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी. साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ये डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो आपसे मिस ना हो. राइट, चलो. India's new 1 rupee currency note bears the signature of whom? तो सबसे पहली चीज तो ये जान लें कि इंडिया की नई 1 रुपए की नोट आने वाली है, किस पे उसका साइन होगा, उसका उस पे होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन. फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा. छोटा सा न्यूज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कंफ्यूज करने के लिए आपका RBI के गवर्नर एंड और भी बहुत सारे नाम आपको दिए जा सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में. एंड राजीव कुमार इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी. Recently, Facebook has launched which program to provide digital literacy to 1 lakh women across 7 Indian states. तो Facebook सब चलाते हैं. Facebook क्या करता है ये हम लोग सिर्फ तभी तक जानते हैं जितना हम लोग Facebook चलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ Facebook और भी बहुत कुछ कर रहा है. Facebook एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू 1 lakh women. कहाँ कहाँ से, जो ये 1 lakh women है पूरे इंडिया में 7 इंडियन स्टेट्स से 1 lakh विमेन को लिटरेसी प्रोवाइड करेगा फेसबुक. कौन से प्रोग्राम के तहत, तो प्रोग्राम का नाम पूछा गया है, द प्रोग्राम इज वी थिंक डिजिटल. डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा तो वी थिंक डिजिटल है प्रोजेक्ट का नाम. अब ट्यूसडे को इसने लॉन्च किया वी थिंक डिजिटल का प्रोग्राम. एंड कौन कौन सी स्टेट्स को, 7 स्टेट्स को प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. बाकी की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सब आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिलेगी, सो कुछ भी नोट मत करिएगा. लास्ट सॉरी 8th news. रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज MOU, विद विच बैंक टू प्रोवाइड स्मार्ट बैंकिंग सोल्यूशंस टू स्टार्टअप्स इन द स्टेट. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने ही स्टेट में, मतलब ओडिशा में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, स्मार्ट बैंकिंग सोल्यूशन मतलब स्मार्ट बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कौन से बैंक के संग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मतलब कौन से बैंक के संग अग्रीमेंट साइन किया है. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने HDFC बैंक लिमिटेड के संग साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्र नायर को अपॉइंट किया टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ज्वेलरी एंड प्राइस एस्टिमेशन रिपोर्ट ऑन विच टेम्पल. तो इसका सही आंसर है साबरीमाला टेम्पल. तो SSC वाले ये चीज जानते होंगे कि ये टेम्पल कहाँ है, कौन से गॉडेस का है, कौन से गॉड का है, कौन से डीटी का है बेसिकली. बट बैंक वालों को नहीं पता होगा तो उनको मैं बता दूं. सबसे पहली चीज थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं. तो ये जो है ना साबरीमाला टेम्पल, ये अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स में करंटली अगर आप अवेयर होगे तो ये इसके ऊपर मतलब इस मंदिर के लिए बहुत एक पुरानी हिस्ट्री है. एक केस चला आ रहा है, कब से चला आ रहा था, 1990.
1990 से एक केस चला आ रहा था। क्या केस था? बेसिकली केस सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि इस टेंपल में विमेन को जाने के जो आपकी परमिशन है वो ना दी जाए, विमेन को बैन कर दिया जाए इस मंदिर में एंट्री करने के लिए। ये केस था, 1990 से स्टार्ट हुआ, फाइनल इसका जजमेंट 2019 में आके हुआ। वेल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बैन हट चुका है। सो साबरीमाला टेम्पल है हमारा वो टेम्पल जिसकी ज्वेलरी वहाँ पे कितनी ज्वेलरी चढ़ती है, कितना वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, जितने भी आपके विजिटर्स आते हैं वो कितना पैसा दान करते हैं, इन सभी की अकाउंटेबिलिटी के लिए, इन सभी के कैलकुलेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्र नायर को अपॉइंट किया है एज दी हेड कि वो इन सब का बेसिकली एक एस्टिमेट निकालें। लास्ट न्यूज, उससे पहले जान लें कि साबरीमाला टेम्पल कहाँ है। पहली चीज, हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू अयप्पन, ये DT है बेसिकली, एंड साबरीमाला में है इन पठानम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो बेसिकली केरला में है ये टेम्पल। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, विच नासा एस्ट्रोनॉट हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 328 डे स्टे इन स्पेस। तो बहुत ही ज़्यादा एक अनबिलीवेबल सी चीज़ हमारे सामने आई है कि 328 दिन तक कोई बंदा स्पेस में रहा है। तो कौन है वो बंदा, कौन बंदा या बंदी है? तो द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच 328 दिन का, 328 दिन अप्रॉक्सीमेटली हमारा एक साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है, 328 दिन तक वो बंदी रह के आई है हमारा स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टीना कोच इज द पर्सन, इज द नासा एस्ट्रोनॉट हु हैज स्टेड फॉर 328 डेज इन स्पेस। तो गाइज दिस इज इट, ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके बैंक, SSC एंड रेलवे एग्जाम से के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूज बहुत सारी आती है दिन भर में लेकिन रेलेवेंट आप नहीं छाट पाते हो। आपको लगता है लाओ यार ये भी पढ़ लें, ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आ जाए, लाओ यार ये भी पढ़ लें, ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आ जाए। रेलेवेंट आप नहीं छाट पाते हो इसलिए बिकॉज यू आर स्केयर्ड कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा एक मार्क्स जा सकता है यार। तो आप क्या करते हो, एक दिन की आप 20 25 30 खबरें पढ़ जाते हो लेकिन वो सब रेलेवेंट नहीं है। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आप एनालिसिस ना करके सारी न्यूज़ पढ़ लेते हो। अब वो एनालिसिस कौन करता है? हम करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इस साल जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये 10 मिनट का वीडियो। गाइज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, एंड PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पे PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट, चलो थैंक यू गाइज सो मच एंड फिर से मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।